वो झारखंड के आदिवासी समाज के लिए एक तरफ से कहेंगे तो एक जनसंहार की तरह होगा। इसलिए जनसंहार की तरह होगा कि जब आदिवासी समाज सदियों से जंगल में रहता है और जंगल में ही वो पूरे जिंदगी उनका मतलब निर्भर करता है, ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट का ये के आना कि ये पूरे देश के 25 लाख आदिवासियों को मैंने जंगल से निकाल दिया जाए, उसमें शायद मैंने ये बातें हो रही थी कि 17 लाख आदिवासी झारखंड के होंगे, तो 17 लाख आदिवासियों को जंगल से आप निकाल देंगे तो पूरी तरह से उनके लिए तो जनसंहार ही होगा। और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जब ये कानून आया और इसको लोग समझते और इनका विरोध शुरू हुआ था, तब उसी समय में ये जो 17वीं ही लोकसभा चुनाव का घोषणा भी देश में आ गया। अब आदिवासी पसोपेश में है, आतंकित हैं कि हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी है नहीं है, अपने अपने का अपने राइट्स के लिए हमको लड़ने का अधिकार भी यहाँ पर नहीं है, स्पेस भी नहीं मिल रहा है कि हम मैंने अपनी बातें कहें कहें लड़ते और अपने अधिकार के लिए हम जिस तरह से पहले से लड़ते आए हैं, लड़ने का भी कोई स्पेस नहीं मिला। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आपने जैसे बहुत स्टडी भी किया है इस पे, फॉरेस्ट राइट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन पे झारखंड में लेके, आपकी स्टडी में आपने क्या फाइंड किया है कि अगर करीब 100 लोग उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है अपने इंडिविजुअल राइट्स के लिए या कम्युनिटी राइट्स के लिए, आपके हिसाब से कितने प्रतिशत आदिवासी लोगों को ये राइट्स मिले हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर? मैंने 2006 से 2010-12 तक का अलग अलग जिला का, गुमला जिला का, रांची जिला का और खूंटी जिला का मैंने स्टडी किया, जिसमें जितना भी मैंने स्टडी किया उसमें मुझको जो मिला, जैसे अगर आप एक ब्लॉक में 70 लोग भरे हैं, 70 लोग भरे हैं उसमें से आपका मुश्किल से 18 या 19 लोगों को बनपट्टा मिला, और उसमें भी जो 10 एकड़ की कप जो दावा पत्र भरे हैं उसको मुश्किल से 15 डिसमिल का मिला, और जो लोग 5 एकड़ का जमीन का मतलब दावा पत्र भरे हैं तो उसको मुश्किल से उनको 10 डिसमिल जमीन का मिला। तो इसमें जितना एक स्टडी के आधार पर मैं आज की तारीख में ये निष्कर्ष पे मैं पहुंचती हूँ, और ये तथ्य है कि एक तो दो तरह का पट्टा भरा जाता है, अपील करते उसके लिए दावा पत्र भरते हैं, एक व्यक्तिगत और एक कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में जो मैंने स्टडी किया था उसमें 2010 से 2012 तक का रांची खूंटी जिला में सिर्फ एक दावा पत्र मिला था, एक आपका क्या बोलते हैं पट्टा जो मिला था गांव वालों को। और रांची जिला का मैं स्टडी की थी उसमें 2008 से 2012 तक का सिर्फ 3 मिला था, और तमाम मैंने पूरे उतने जितना लोग को अपने जो आवंटित किया गया था आपका पट्टा, उसमें बड़ा दुखद स्थिति ये था कि मुश्किल से 10 एकड़ जमीन, आप खूंटी जिला को आप देखेंगे तो पूरा वनाच्छादित क्षेत्र है, वहां से अगर 2008 से 2010-12 तक सिर्फ 10-12 एकड़ जमीन ही बनपट्टा के नाम से कई बनपट्टा धारियों को मिला था, और रांची जिला में भी आपका बनपट्टा उन वहाँ पर 8 से 10-12 तक के ईस्वी में अगर मिलता है उन लोगों को मुश्किल से 15-20 एकड़ जमीन का। तो आप समझ सकते हैं कि जो वन अधिकार कानून के तहत जो बनपट्टा मिलने की जो स्थिति थी वो कितनी दयनीय थी। इसमें ये है कि उसमें फिजिकल आपका इंक्वायरी करने का जो जिम्मा फॉरेस्टर को है और थाना को है, तो थाना वाले कभी नहीं जाते हैं मैंने फिजिकल इंक्वायरी के लिए कि अमुक व्यक्ति का जो जिन्होंने दावा पत्र भरा है उस जमीन पर सदियों से या तो क्या 30 साल से उनकी जीविका इसी जमीन पे है या नहीं, या कितना जमीन जो दावा पत्र में भरा है क्या सही में वो जमीन उनका है या नहीं, कभी भी जांचने के लिए फॉरेस्टर और थाना वालों ने नहीं गया, और बैठे बैठे ही क्या पता किस मतलब मापदंड के तहत में उन्होंने 10 एकड़ जमीन का जो दावा पत्र में भरा
उसको 15 डिसमिल मिला, जो 5 एकड़ का भरा उसको किस तरह से 10 डिसमिल जमीन मिला, ये अपने आप में सवाल है। और पूरे झारखंड सिर्फ जितना हमने बताया कि स्टडी किया उतना ही का नहीं है, लेकिन पूरे झारखंड का स्टेटस यही है, और जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दयामणि जी, जैसे अभी काफी लोगों का ये कहना रहता है कि हमारे देश में आदिवासी जो है पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, फॉरेस्ट देश में वैसे ही कम हो रहा है, अगर हम लोग ये राइट्स जो है आदिवासी लोग को दे देंगे तो हमारे जो बचे खुचे जंगल भी हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है, काफी लोगों का ये मानना है, आप क्या कहेंगे इस पे? तो ये आदिवासी समाज को लोग, जो लोग ये मतलब ये बात बोल रहे हैं और ये लोग लॉजिक देता है कि भेड़िया सरानी के लिए, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के लिए, हमने वाइल्ड लाइफ को हम लोग को संरक्षण देना है तो आदिवासियों को जंगल से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर ये तर्क देने वाले लोग शायद आदिवासी समाज को नहीं जानते हैं, भारत को भी नहीं जानते हैं, झारखंड को भी नहीं जानते हैं। ये भले यहाँ पर झारखंड को लूटने वाली तमाम ताकतें आती हैं, बिरसा मुंडा को का नाम जपते हैं, बिरसा मुंडा के स्टेचू पर माल्यार्पण करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ के संसाधनों को लूटने के लिए और यहाँ के आदिवासियों को भूमिहीन बनाने के लिए। इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि आदिवासी समाज ही पूरे वर्ल्ड में ऐसा समाज है कि जो यहाँ पर बाघ और भालू के साथ भी एक साथ जिंदगी जीता है, हाथी के साथ भी एक साथ जिंदगी जीता है, सांप और बिच्छू के साथ भी वो सहमाना जिंदगी जीता है, वो जंगल में एक साथ लोग रहते हैं और उनके साथ एक दोस्ताना रिश्ता है। कभी भी वो शिकार करता है तो सारे लोगों को वो मार के खाता नहीं है। और आज की तारीख में पूरा वर्ल्ड का आप हिस्ट्री को खंगाल लीजिए कि वाइल्ड लाइफ वहीं पर मैंने सुरक्षित है जहां आदिवासी हैं, जंगल वहीं पर है तो जंगल है वहीं पर वाइल्ड लाइफ भी जिंदा है, और जहां पर जंगल है वहीं पर आदिवासी भी हैं, और बिना जंगल के आदिवासियों की कल्पना आप पूरे वर्ल्ड में नहीं कर पाएंगे। ये सत्य को कोई भी अगर कोई साइंटिस्ट इसको खारिज कर दे तो शायद ये साइंटिस्ट आदिवासियों के समाज से, उनके इतिहास से वाकिफ नहीं होगा। आदिवासी समाज पूरे वर्ल्ड में आज भी वहीं पर जिंदा है जहां पर जंगल है, जहां पर नदी और पहाड़ है, और जहां पर आदिवासी हैं वहीं पर जंगल है, जमीन है, नदी और पहाड़ है, वाइल्ड लाइफ भी वहीं पर सुरक्षित है। एक आखिरी सवाल दयामणि जी, अभी इलेक्शन का टाइम है और आप अगर आपको कोई एक मैसेज देना हो पॉलिटिकल पार्टीज को आदिवासी समाज की तरफ से, क्योंकि ये अभी एक बहुत लंबी लड़ाई बनने वाली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये मैटर है, तो आप पॉलिटिकल पार्टीज को क्या मैसेज देंगे कि ये इलेक्शन में ये 2019 का जो चुनाव है वो पूरे देश के आदिवासी समाज के लिए, किसान समाज के लिए, मजदूर क्लास के लिए, अल्पसंख्यक के लिए और ये जो माइनॉरिटी के लिए एक लक्ष्मण रेखा है। असली कि 2014 के बाद जो हम लोगों ने देखा है कि देश में तमाम माइनॉरिटी के खिलाफ में, अल्पसंख्यकों के खिलाफ में और आदिवासियों के खिलाफ में और किसानों के खिलाफ में जितने भी कानून बनाए गए हैं और उनके बिहाफ में जो भारत के संविधान में देश की आज़ादी के बाद जितने भी कानूने थी वो कानून पूरी तरह से मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है, और भारत का लोकतंत्र आज पूरी तरह से खतरे में है, झारखंड का लोकतंत्र खतरे में है। और ऐसे परिस्थिति में आज जब तमाम कानून खत्म कर दिए गए हैं तब आज ये जो 2019 का चुनाव लक्ष्मण रेखा है, और इस लक्ष्मण रेखा को देखते हुए अगर देश की आदिवासी किसान मजदूर और जितने भी प्रकृति के साथ जीने और मरने वाले और जितने भी लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले तमाम जाति और धर्म के लोग एक मंच में नहीं आएंगे तो जो कॉरपोरेट घराने जो देश और विदेश पूरे वर्ल्ड में एकत्रित हो गए हैं, और जो कॉरपोरेटी राजनीति का खेल यहाँ पर चल रहा है, कॉरपोरेट राजनीति, कॉरपोरेट का पैसा राजनीतिक खेल के तहत में पूरे भारत को नष्ट करना चाह रहा है, उनको रोकने के लिए ये लक्ष्मण रेखा है। अभी हर किसी को अपने विवेक से, जब हमारा दुश्मन एक मंच में आया है तो पूरे
जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने पहचान के लिए, अपने ह्यूमन राइट्स के लिए और भारत का संविधान बचाने के लिए, भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए, उनको एक मंच में आना होगा और फासिस्ट ताकतों को पूरी तरह से पराजय करना पड़ेगा। और हम पराजय करेंगे तभी हम भारत का लोकतंत्र को बचाएंगे, भारत का संविधान बचेगा, तब हमारा जंगल और जमीन और हमारा भाषा और संस्कृति बचेगा, तब हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट और तमाम पांचवी अनुसूची या तो तमाम अधिकार हमारे बचेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि तमाम अभी पूरे पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ पे ये दुख लगता है, हर पॉलिटिकल पार्टी अभी गठबंधन भी कर रहे हैं तो सीटों का गठबंधन कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूं कि सीटों का गठबंधन ना करें, सीटों का गठबंधन ना करें और वो गठबंधन करें जनता के मुद्दों का, जनता के सवालों का, जंगल का, जमीन का, यहाँ के लोगों के जिंदगी का और उनके सवालों के साथ भारत का संविधान बचाने का और भारत का लोकतंत्र बचाने का गठबंधन करें। जैसा हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो जन आंदोलन में हैं, हम लोग जो हमेशा लगातार संघर्ष करते आए हैं, हम लोग गांव वालों के साथ जंगल जमीन का के बचाने का जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग जनता के सवालों के साथ, जनता के मुद्दों के साथ, हम लोगों का जिंदगी का गठबंधन हम लोगों ने किया है। तो मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि जनता के सवालों के साथ, जनता के मुद्दों के साथ आप अपने जिंदगी का गठबंधन आप उनके साथ कीजिए, ताकि ये भारत का संविधान और भारत का मट्टी और भारत का पानी और भारत का पर्यावरण और भारत में इतने मिलियन लोग हैं उनकी जिंदगी और उनके लिए प्रावधान अधिकार भारतीय संविधान में जो दर्ज है वो बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।